भी एक दिन मरेगी, किसने कहा ऐसा आरती सिंह को, और क्या है ये पूरा मामला, और कैसे एक बार फिर से इन सारी चीजों में लोग लेके आए हैं सिद्धार्थ शुक्ला को खींच के, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल Flash 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आरती सिंह ने कल ही अपने इंस्टा में एक स्टोरी डाली जहां पे उन्होंने इंस्टा DM का एक स्क्रीनशॉट डाला, जहां कोई सो कॉल फैंस या लोग कहे उन्होंने उसको ये DM किया था कि सिद्धार्थ के मरने की बहुत खुशी है तुझे, तू भी मरेगी एक दिन। कॉलर को जवाब देते हुए आरती सिंह ने एक वहां पे आंसर किया था और वो अपने स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने इंस्टा पे स्टोरी पे डाला था, जहां पे उन्होंने ये कहा कि थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए, हाँ एक ना एक दिन मरना सबको ही है, पर भगवान आप पे इतनी कृपा करे कि आपके दिल से जो इतनी नफरत है वो नफरत निकल जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं तो तरपूंगी ही, पर उसके साथ साथ तरपेगी मेरी माँ, जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा। भगवान आपको इतनी खुशी दे कि आपके दिल में जो इतनी नफरत है जो वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे आरती सिंह ने एक करारा जवाब दिया ट्रोलिंग को। एक चीज तो मुझे यहाँ पे जरूर कहना है कि आप लोग कैसे किसी को भी ऐसे डेथ क्रश दे सकते हो। आपने जिस इंसान का नाम लिया सिद्धार्थ शुक्ला, क्या कभी आपने उसको अपने रियल लाइफ में देखा है किसी को ऐसे डेथ क्रश देते हुए? चाहे कभी किसी को इस टाइप का बात नहीं बोला, इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं किए, और आप उसी का नाम लेके एक इंसान को उनको DM करते हो। ट्रोलिंग क्या मिलता है आपको? ट्रोलिंग करके क्या सुकून मिलता है? क्या आपके दो मैसेजेस कट जाने से क्या हमें आरती सिंह की जो लाइफ स्पैन है उसमें से 10 साल कम हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, पर क्या क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको ऐसे ट्रोलिंग करते हुए? किसी भी इंसान को ऐसे ट्रोलिंग करना बहुत गलत है, चाहे कोई भी हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर इंसान पसंद हो, हर किसी को हर इंसान पसंद नहीं है, सबके अपनी चॉइस होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप ट्रोल करोगे, और वो भी डेथ कर्स। आप दुआ कर रहे हो कि वो मर जाए, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उस माँ पे क्या बीतेगी। कभी आप जिसको ट्रॉल करते हो उसके जगह पे खुद को रख के देखो, कैसा फील होता है जब कोई आपको ट्रॉल करता है, कैसा आपको फील होता है, और आपके जगह कोई आपका अपना होता तो आपको कैसा लगता? अगर यही मैसेज आपके किसी भी फैमिली मेंबर को किसी और ने दिया होता तो आप पे क्या बीतती? जरा एक बार ऐसे सोच के देखो, शायद ऐसे सोचने से ये जो ट्रोलिंग का मेंटेलिटी है उससे आप निकलोगे। चीज पूरी क्लियर है कि आप किसी को भी ट्रोल करो, हम ट्रोलिंग के खिलाफ है। चाहे आप वो सिद्धार्थ को ट्रोल करो, आप शनाज को ट्रोल करो, या आरती को ट्रोल करो, या किसी भी इंसान को ट्रोल करो, ऐसे गंदे ट्रोल करोगे तो हम उसके खिलाफ होंगे ही। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये ट्रोलिंग बंद करो, और सिद्धार्थ शुक्ला को तो इन्वॉल्व करना बंद करो। बंद भाई ये भी ध्यान में रखना कि जब सिद्धार्थ के फैमिली को पता चलेगा उसके नाम से ऐसे गंदे ट्रोलिंग किए जा रहे हैं तो उनकी माँ पे, रीता आंटी पे, उनकी फैमिली पे क्या बीतेगी? सो प्लीज इफ पॉसिबल स्प्रेड पॉजिटिविटी और ट्रोलिंग को बंद करो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और आपको क्या कहना है इस ट्रोलिंग के रिलेटेड जो आरती सिंह के साथ हुआ है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।